नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्रिकेट केसरी में। मैं हूं अभिनव। बीते महीने हुए T20 विश्व कप में जब भारतीय टीम सेमीफाइनल में बुरी तरह हार गई, तब सवाल न सिर्फ खिलाड़ियों पर उठने लगे बल्कि सिलेक्शन कमेटी पर भी उठे, और उसी वजह से चेतन शर्मा की अध्यक्षता में चल रही इस कमेटी को बर्खास्त कर दिया गया। 36वें BCCI अध्यक्ष पद पर संभालने वाले रोजर विन्नी ने आते ही पहला काम यही किया। उन्होंने चयनकर्ता समिति को बर्खास्त कर बहाली भी निकाल दी थी इस पद के लिए। वहीं इस पद के लिए अब तक लगभग 600 से ज्यादा ईमेल BCCI को आ चुके हैं। वहीं इस ईमेल को BCCI चेक करना भी शुरू कर दी है। वहीं जब ईमेल को चेक करना शुरू किया गया, या फिर ये कहें कि छानबीन किया गया, तो पता चला कि इसमें कई सारे मेल फर्जी हैं, कई सारे स्पैम मेल आ चुके हैं। इस स्पैम मेल की भी एक खासियत रही। वो खासियत यह थी कि वो महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और कई सारे खिलाड़ियों के नाम से आए हुए हैं। आश्चर्य तो तब हुआ जब पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और दिग्गज खिलाड़ी इंजमामुल हक के नाम से भी आवेदन मेल आ रखे थे। इन सारे मेल का सीधा हिसाब किताब यह है कि वो BCCI से मजे लें। लोगों के दिमाग में ऐसे आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, ये तो वही जाने। बाकी जो जेन्युइन मेल है उनमें से BCCI 10 मेल को चुनेगी और 5 लोगों को चुनकर सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बनाएगी। इस काम का जिम्मा BCCI ने एक 3 लोगों की कमेटी को दी है जिसका नाम है क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी। इस कमेटी में अशोक मल्होत्रा, जतिन परांजपे और सुलक्षणा नायक का नाम शामिल है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब तक नए समिति का गठन नहीं होगा, तब तक पुरानी या फिर ये कहें कि बर्खास्त की गई चयन समिति ही इस पर काम करेगी। वहीं भारतीय टीम फिलहाल बांग्लादेश दौरे पर है, जहां एक बार फिर से इस टीम को मेजबान टीम ने 2-1 से वनडे सीरीज में हरा दिया। वहीं फिलहाल 1-0 से भारतीय टीम 2 मैचों के टेस्ट सीरीज में आगे है। दूसरा मुकाबला फिलहाल खेला जा रहा है। वहीं इस सीरीज के बाद भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ अपने घर पर 3 मैचों का T20 और वनडे सीरीज खेलना है, जिसमें भारतीय टीम के मुख्य कप्तान रोहित शर्मा पहले T20 सीरीज से तो बाहर लगभग हो चुके हैं अपने चोट की वजह से। अब देखना है कि वो वनडे सीरीज में वापसी कर पाते हैं या नहीं। उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में स्लिप में कैच लेते वक्त हाथ में चोट लगी थी, जिसकी वजह से उन्हें इलाज के लिए वापस भारत बुला लिया गया था। अब उनकी रिकवरी कब तक होती है, ये तो देखने वाली बात होगी। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी और भी अपडेट को जानने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।